कीटोन जेल एंटी डेंड्रफ शैम्पू जो कि बनाया जाता है एरिस लाइफ साइंस के द्वारा बनाया जाता है। 100 ml का ये एक लोशन रहता है, सॉल्यूशन रहता है, जिसका MRP 277 rupees रहता है। इसके अंदर कीटोकोनाजोल 2% रहता है, जो कि एक एंटी फंगल्स मेडिसिन है, जो कि फंगल स्किन इन्फेक्शन में यूज़ होती है। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, कैसे यूज होता है, ड्रग कैसे काम करेगा, सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का, डोज में सुझा तो कैसे लेने का, और इसका सब्सिट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है, तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा, ताकि आपको कीटोन जेल्स के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, मेडिकल स्टूडेंट और हेल्थ केयर स्टूडेंट के एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी मेडिसिन से, कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। कीटोन जेल्स एंटी डेंड्रफ शैम्पू जो कि बनाया जाता है एरिस लाइफ साइंस के द्वारा बनाया जाता है। 100 ml का ये एक लोशन शैम्पू रहता है, जिसके अंदर कीटोकोनाजोल 2% रहता है, और ये एक शैम्पू है जो कि यूज़ होता है हेयर के लिए यूज़ होता है। ये एक एंटी डेंड्रफ शैम्पू है, एंटी फंगल शैम्पू है, जो कि फंगल इन्फेक्शंस को कम करता है स्किन के ऊपर से। अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ करो, डॉक्टर की सलाह से यूज़ नहीं करो, कंटिन्यूसली यूज़ करो, तो आपको रेडनेस हो सकता है, इचिंग हो सकता है और ड्राइनेस हो सकता है, ये सब कॉमन साइड इफेक्ट है। तो जब भी आप इसको यूज़ करें तो डॉक्टर की सलाह से यूज़ करें। तो कीटोन जेल शैम्पू कैसे काम करता है, तो इसके मैकेनिज्म की बात करें तो इसके अंदर एक दवाई डाली गई है कीटोकोनाजोल 2% वेट बाय वॉल्यूम रहता है, जो कि एक एंटी फंगल शैम्पू मॉलिक्यूल है, जो कि क्या करता है कि स्किन के ऊपर से फंगल इन्फेक्शंस को कम करता है। तो ऐसे काम करता है ये शैम्पू। तो इस शैम्पू के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।